हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हरीश खैरना, योर मास्टर फॉर करंट अफेयर्स एंड जीके। आई वेलकम यू ऑल टू उत्कर्ष लॉ क्लासेस। आई होप आप लोगों ने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, यू मस्ट हैव सीन देम, यू मस्ट हैव एनालाइज्ड देम एंड यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। बट एक फैक्ट है जो आपको जानना बहुत जरूरी है कि आप जब तक इन लोगों को, इन क्वेश्चंस को कनेक्ट करके नहीं देख लेते हैं, तब तक इट्स अ लिटिल बिट फॉल्टी फ्रॉम योर साइड कि आप लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे। यू जस्ट हैव टू कनेक्ट इट फॉर अ बेटर अप्रोच जो आपको आने वाले टाइम में एग्जामिनेशन में प्रोवाइड किया जा सकता है, या आप खुद एनालिसिस भी कर सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऑल द टाइम इट इज नॉट नेसेसरी दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, बट आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर पूछ रहे हैं तो हमें इस बार इस प्रकार के सवाल या इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल यहां पर पूछे जा रहे हैं। इसलिए हम मोस्टली यहां पर फोकस करेंगे आज, जब हम जानेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा गया है, उसी के साथ हम इस पे भी फोकस करेंगे कि इस बार क्या उस प्रकार के कोई टॉपिक चर्चा में है, उससे रिलेटेड वैसी कोई चीज चर्चा में है जिसको हमें देखना चाहिए। सो दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि हमें आने वाले वक्त में, जब जो बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं हमारे पास क्लैट के लिए, सो दैट हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस ऑल दिस स्टफ जो एक आपको रिलेशन प्रोवाइड करेगा। हम लोग देख रहे हैं 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि आपके करंट अफेयर्स और जीके से डील करता है। फॉर अदर सब्जेक्ट्स यू विल रिसीव इन अदर सब्जेक्ट के जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा आपने पेपर दिए जाएंगे। हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर विषय के या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। लेट्स मूव ऑन टू, हम लोग बिना किसी वक्त जाए के डायरेक्टली विल जंप टू, एंड वी वॉन्ट रीड द होल पैसेजेस, बट यस डेफिनेटली हम लोग उसको एक अंडरस्टैंडिंग उसका जरूर लेंगे कि वहां पर किस प्रकार से डेटा दिया गया है और क्या वो डेटा आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है रिलेटेड टू दिस और नॉट, ये चीज हम लोग जरूर फोकस करने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे सेड मेजर ग्लोबल फर्म्स आर लुकिंग, ये इन टोटल अगर हम इसको थोड़ा सा आप जनरली इसको कंपेयर करेंगे तो ये मेक इन इंडिया के बारे में बात कर रहा है। कुछ कुछ कीवर्ड्स को हम लोग देख लेंगे कि इसके बारे में ये डील कर रहा है या नहीं कर रहा है। इट इज टॉकिंग अबाउट FDI, ओके, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा है। इसी के साथ में हमने देखा कि ये मेक इन इंडिया के बारे में बात कर रहा है, और एक चीज है वोकल फॉर लोकल के बारे में बात कर रहे हैं। इसी के साथ में ये आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस कि जब आप पढ़ रहे होंगे या जब आप पढ़ रहे हैं इस बार, तो आपको जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको फोकस करने के लिए इतना क्यों बोला जाता है, व्हाई डू वी से दिस कि फोकस करिए, या गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर हम लोग जब बात करते हैं, जैसे इस बार हम लोगों ने देखा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है उसके तहत 79% जो पैसा है वो एडवर्टाइजमेंट्स में लग गया। सो एट दैट टाइम हम लोगों ने पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया उसका, उस योजना के बारे में जितनी भी चीजें थी उस सबको हमने एकदम तय दिल से पूरा एनालिसिस उसका कर डाला था। वैसे ही साथ में हम ऐसी कई सारी गवर्नमेंट और भी स्कीम्स हैं, जैसे उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, ये सारी योजना इस बार चर्चा में क्यों रही, क्योंकि इस बार उन्होंने कुछ ना कुछ उनके थ्रेशहोल्ड थे जो अचीव किए। तो इस वजह से जब जब ऐसी कोई योजना चर्चा में होती है उस मामले में उसको लेकर करंट अफेयर्स में सवाल पूछा जाना वाजिब है और जायज है, जिस प्रकार के बारे में यह पैसेज बात करता है। आगे देख लेते हैं कि ये सिर्फ मतलब बेसिकली ये पिछले साल या 2020 में जो मेन टॉपिक होता था या 2020 में जो मेन टॉपिक हुआ था कि आत्मनिर्भरता या फिर सेल्फ रिलायंस, मतलब भारत अपने आप पर अपना रिलायंस कैसे बढ़ाएगा, इसके लिए हम लोगों ने क्या क्या स्कीम्स लाई, मेक इन इंडिया, मेक विद इंडिया, जबकि ये स्कीम्स बहुत पहले से चल रही थी, बट वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भरता, ये सारे शब्द। इवन अगर आपको पता होगा कि भारत के साइड से जाने वाला ऑक्सफोर्ड में जो शब्द ऐड होता है उसमें एक नया वर्ड ऐड होता है, तो वर्ड ऑफ द ईयर जो था 2020 का वो आत्मनिर्भर था। तो इस इतने बड़े लेवल पर जब हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार की चीजें हुई है या इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो रहा है चीजों का, एट दैट टाइम वी नो कि ये पैसेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या आपको पैसेज में से डायरेक्ट सवाल आए हैं या आपको पैसेज में से किसी भी प्रकार का बेस लेकर सवाल सॉल्व करने को मिलता है, लेट्स सी दैट, वो भी हम लोग देखेंगे। लेट्स मूव ऑन टू सी, इसी के साथ इन्होंने क्या बोला हुआ है, 5 ट्रिलियन की बात करी है। कुछ कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़, ठीक है, तो हमें एक क्वेश्चन में भी काम आएगा, इसलिए बस पहले हम लोगों ने जान लिया कि 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़, अगर हम करोड़ में जानना चाहते हैं तो। इसी को हम लोग जब रिलेट करके देखेंगे आगे, पाइपलाइन टू एक्सेलरेट इंफ्रास्ट्रक्चर की पाइपलाइन, हम लोग पर्टिकुलरली इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बिजनेस या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं भारत की इकोनॉमी की पर्टिकुलरली, तब हम लोग आगे 3 सेक्टर्स को प्रोमिनेंट देखते हैं बहुत ज्यादा। क्वेश्चंस के ऊपर जंप करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहीं पर हम लोग देख लेते हैं, अच्छा ये कहां से लिया गया है, हिंदुस्तान टाइम्स से लिया गया है, और प्रॉपरली आपके सोर्सेज भी मेंशन किए जाते हैं। दैट्स व्हाई वी जस्ट स्टडी न्यूज़पेपर्स, बिकॉज वी नो कि न्यूज़पेपर्स में जो न्यूज़ है जो बेस बनाती है आर्टिकल्स का, वो भी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से इकोनॉमी के, भारत की इकोनॉमी की 3 साइड्स हैं, जिसमें एग्रीकल्चर होता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग है, ये ऑलरेडी हम लोग बजट सेशन को डिस्कस करते हुए डिस्कस कर चुके हैं, और जिसमें एक और चीज होती है सर्विस। ये भारत की ही नहीं, जनरली हर इकोनॉमी की 3 ऐसी दशाएं हैं जिससे हर कोई भी आर्थिक व्यवस्था होकर गुजरती है। एवरी इकोनॉमी गोज थ्रू दीज 3 फेजेस वेर यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस एज वेल। सो यस, इंडिया हैज बीन फेसिंग चैलेंजेस हियर ओनली, इस ट्रांसफॉर्मेशन में इंडिया हैज बीन फेसिंग चैलेंजेस सिंस अ लॉट ऑफ टाइम,
And now we have decided to do what? Now we have decided to jump onto this directly. So that's why there are a lot of problems that are occurring. पर हमें वो अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है. पर इस बार इससे relevant हम question solve कर लेते हैं. फिर we'll get to know better कि हम लोग किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं. The government announced a stimulus package under the self-reliant India. Yes, now we know कि self-reliant India इसके तहत हमें इस scheme के तहत एक package release किया गया था. वो कितना package था वो भी हम लोग जानते हैं, है ना? So it was 20 trillion, यानी कि 20 lakh करोड़. There was a lot of criticism about this also. Criticism भी था ना कि ये सारा पैकेज भारत की इकोनॉमी का पहले ही हिस्सा हुआ करता था, उसमें से ही इसको निकाल कर पैकेज दिया गया है, तो ये कोई अलग सी मदद जो है वो नहीं दी जा रही है, वगैरह वगैरह. बट वी डोंट हैव टू गो इनटू द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द इशू. हम लोग सिर्फ इतना जान लेंगे कि 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था, 20 ट्रिलियन, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा कि 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1 लाख करोड़. सो बेसिक सा मैथ है, पर आपको इसके लिए ये पहले पता होना चाहिए कि 20 लाख करोड़ का पैकेज जाहिर किया गया था सरकार के द्वारा, है ना? आत्मनिर्भर पैकेज, सेल्फ रिलायंट पैकेज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आत्मनिर्भर पैकेज दिया गया था 20 लाख करोड़ का. मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ स्टिमुलस पैकेज अनाउंस्ड अंडर द हमें आत्मनिर्भर पैकेज जो है, आत्मनिर्भर स्कीम जो है, या सेल्फ रिलायंट पैकेज जो अनाउंस किया गया था, उसका क्या गोल नहीं था इनमें से, कि इस जो स्टिमुलस पैकेज है उसका गोल क्या नहीं था. नॉट भी बड़ा जरूरी है, नॉट अ गोल ऑफ द. It will help in alleviating the distress of migrants when they return to their villages. It will help in achieving the goal of self-sustainable rural economy. It will boost the one nation, one market objective and help India to become the food factory of the world. It will help in elevating quality of the life in urban areas. तो हमें यहाँ पर इन्होंने ये बोला हुआ है कि बेसिक देखिए एलिमिनेशन मेथड के बारे में हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं, ठीक है? तो आत्मनिर्भर भारत का क्या क्या इसमें से गोल हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो क्या हो सकता है ये, तो इसके अंदर तीन ऑप्शंस हैं. क्योंकि क्या बोल रहा है, ये डिस्ट्रेस कम करने में मदद करेगा. किसके लिए? जब भी ये लोग अपने विलेजेस से वापस आते, कौन लोग? माइग्रेंट्स. इसका मतलब जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो अपने विलेज वापस लौट के गए, जब वापस आएंगे तो उनको हेल्प करेगा, ठीक है? ये तो बिल्कुल करेगा ना, आत्मनिर्भर पैकेज करेगा ही करेगा. इट विल हेल्प इन अचीविंग द गोल ऑफ सेल्फ सस्टेनेबल रूरल इकोनॉमी. यस, दिस इज ऑल अबाउट रूरल इकोनॉमी एज वेल. ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उभरने में मदद करेगा, बिल्कुल करेगा ये पैकेज, इसके लिए भी दिया गया है, बिल्कुल सही बात है. इट वुड बूस्ट वन नेशन वन मार्केट ऑब्जेक्टिव एंड हेल्प इंडिया टू बिकम द फूड फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. यस, बिकॉज वी विल बी वर्किंग ऑन एग्रीकल्चर एज वेल. एग्रीकल्चर, और सिर्फ एग्रीकल्चर पे नहीं, वी विल बी वर्किंग ऑन व्हाट? एग्रीकल्चर के साथ ही साथ में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग पे भी काम करेंगे, क्योंकि हमें सेल्फ रिलायंट बनना है. तो यहाँ पर दोनों फील्ड का हम लोग मिलाप चाहते हैं. जब ये कर लेंगे बचेगी क्या चीज? इट विल हेल्प इन elevating the quality of the urban area. Yes, for urban areas, ऐसा नहीं है कि हम इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, पर लेकिन जैसे जवाहरलाल नेहरू रूरल अर्बन मिशन हो गया, या पर्टिकुलरली सेमी अर्बन मिशन हो गया, ऐसे मिशन हमने इसके अंदर काम करने के लिए बनाए हुए हैं ऑलरेडी. सो दिस इज द वन थिंग दैट वी वोंट बी वर्किंग अपॉन. इसीलिए ऑप्शन डी विल बी द सही आंसर, क्योंकि ये गलत है. ये स्टेटमेंट ही गलत है कि आत्मनिर्भर पैकेज जो है हमें इस काम में हेल्प करेगा, क्या अर्बन एरिया में लाइफ को सुधारने में मदद करेगा? नहीं करेगा. इसलिए ये ऑप्शन ही गलत है. इसलिए हम आगे बढ़ के ये देखेंगे कि हाँ, ये सही जवाब सही है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, और हमें नॉट पूछा गया है, नॉट अ गोल पूछा गया है, इसीलिए नाउ वी नो दिस. विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स कैन बी सीन एज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर ग्रोथ ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. जैसे कि FIIs होते हैं, FDIs होते हैं, हर किसी चीज के लिए लिमिटेशंस भी सेट की जाती है. तो लिमिटेशंस जब सेट की जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लोग देखते हैं, तो जितना आपके लिए जरूरी है उतना जरूर जान लीजिए कि किसी भी इकोनॉमी में, जैसे हमने तीन सेक्टर्स की बात करी, तो तीन ये पर्टिकुलर ब्रॉडर लेवल पर सेक्टर्स होते हैं. इसके अंडर बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स भी हो सकते हैं, जो हमारे लिए जानना, आपके लिए या इकोनॉमी के लिए जानना, जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं पर्टिकुलरली. जैसे कि मैंने थोड़ा सा नोटिस किया है कि कंसोर्शियम लव्स टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम इकोनॉमी, बिकॉज देयर आर 2 to 3 पैसेजेस इन दिस ईयर पेपर, दिस ईयर पेपर ओनली, कि जहां पर आपको इकोनॉमी पर बड़ा जोर दिया गया है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इकोनॉमी के ऊपर, है ना? द लॉन्च ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन 2014, ओके. इसी के साथ में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन द ईयर 1991, ओके. द अमेंडमेंट इन द FDI पॉलिसी टू इंक्रीज द अपर कैप फ्रॉम 26 to 49, और ऑल ऑफ द अबव, ओके. तो क्या बोल रहा है ये सवाल, या किसके बारे में बात कर रहा है? ये कहता है कि कौन सा इवेंट ऐसा है जो FDI की ग्रोथ भारत में लेकर आया है, या उसके लिए एक स्टेपिंग स्टोन साबित हुआ है. स्टेपिंग स्टोन का बेसिक मतलब होता है उसके पहले वहां उसके लिए पैर रखने की भी जगह नहीं थी, और अब उसके लिए वो स्टेपिंग स्टोन है, एक ऐसा स्टेप, एक ऐसी स्टोन, एक ऐसा माइल स्टोन साबित हो रहा है कि जिसके ऊपर वो पैर रख के आगे बढ़ रहा है या ऊपर जा रहा है, लिटरल मीनिंग अगर हम लेते हैं तो. इसी वजह से हम लोग ये जानते हैं कि मेक इन इंडिया आया, या फिर हम लोगों ने कैप हटा के, जैसे कि रिसेंटली हम लोगों ने डिफेंस सेक्टर से ये कैप हटाया है ना, डिफेंस सेक्टर से ये कैप हटाया है, ठीक है? तो और भी कई सारे सेक्टर्स हैं, FMCG से भी हम लोग अब ये कैप ऑलरेडी हटाने वाले हैं. ऑलमोस्ट इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी होते रहता है, वो जरूरी नहीं है. इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके लिए स्टेपिंग स्टोन, सबसे पहली स्टेप क्या थी, द इकोनॉमिक, जो LPG रिफॉर्म्स हम लोग लेकर आए थे, है ना? LPG, इफ यू नो, इट रिलेट्स टू लिबरल प्राइवेट एंड ग्लोबल, राइट? लिबरलाइजेशन,
ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ थिंग्स। यस, ये है एलपीजी रिफॉर्म जो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर रहे मनमोहन सिंह के द्वारा लाए गए थे, इसीलिए वी रिस्पेक्ट हिम सो मच। इसीलिए साथ ही साथ में हम ये जानते हैं कि ये स्टेपिंग स्टोन साबित होता है किस चीज के लिए, एफडीआईज के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए, हमारा मार्केट ओपन करने के लिए, भारत को एक मिश्र अर्थव्यवस्था या ओपन इकोनॉमी बनाने के लिए। हम लोग एक ओपन इकोनॉमी है, हम लोग एक मिश्र अर्थव्यवस्था है। हम लोग क्लोज दो प्रकार की इकोनॉमीज होती है, ओपन और क्लोज। तो हम लोग ज्यादा झुकाव, हम फ्लेक्सिबल इकोनॉमी है, हमारा ज्यादातर झुकाव जो है वो ओपन की तरफ जा रहा है, अभी के साल में बढ़ रहा है। पर इसी की वजह से, क्योंकि क्या हम लोग चाहते हैं, एक चीज होती है ट्रेड बैलेंस। बच्चे लोग, एक होता है ट्रेड बैलेंस, तो ट्रेड बैलेंस जानना बड़ा जरूरी है कि किसी देश में हम लोग कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितना उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं, इसके बीच में जो बचता है उसको आप लोग ट्रेड बैलेंस के तौर पर जान सकते हैं। वो या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। अगर वो कम है, मतलब कि आप उनसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और इधर से कम भेज पा रहे हैं, तो फिर ट्रेड बैलेंस नेगेटिव है। पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस का मतलब होता है कि हमारे पास ज्यादा बैलेंस बच रहा है, क्योंकि हम लोग ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कम चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक है। इसी वजह से ट्रेड बैलेंस जैसी कोई सारी चीजें होती है जो हमारे एफडीआई को हैम्पर करती है या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हैम्पर करती है। पर फाइनली 1991 वाज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर दिस, तो इसीलिए दिस विल बी द राइट ऑप्शन, बी विल बी द राइट ऑप्शन दैट वी नो। लेट्स मूव ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव। वोकल फॉर लोकल, वही आत्मनिर्भरता वाली बात यहाँ पर वापस आ रही है। बट यहाँ पर द पॉलिटिशियंस वी आर सेइंग और द गवर्नमेंट वाज सेइंग दिस कि वोकल फॉर लोकल एक ऐसा इनिशिएटिव है जो पर्टिकुलरली हम चाहते हैं कि आपदा में हम लोग देखना चाह रहे हैं, आपदा में हम लोग एक प्रॉब्लम जो आया हुआ है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि संधि ढूंढ रहे हैं, या फिर संधि से ज्यादा संधि विल बी नॉट वेरी गुड वर्ड फॉर दिस, ऐसी एक चीज हम लोग मौका ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस चीज को पर्टिकुलरली फोकस करते हुए देखना है। अच्छा, ऑप्शंस देख लेते हैं। ये बोल रहे कि रिबूटिंग द एमएसएमईज स्पेशली, इसमें से कौन सा चीज वोकल फॉर लोकल के लिए रिलेटेड इनिशिएटिव से रिलेटेड नहीं है, ऐसा पूछा गया है। एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, स्पेशली द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। यस, ऑब्वियसली दिस हैज टू बी फोकस्ड। ये इनको रिबूट करना चाहते हैं वोकल फॉर लोकल से, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप खादी की बात करते हैं तो ये हमारी लोकल इंडस्ट्रीज है। ये कुटीर उद्योग की अगर बात करते तो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज है, खुद की इंडस्ट्रीज है। जनरेटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट द लोकल लेवल। ओके, हम लोग जब वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, वापस से हम लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट या फिर अपॉर्चुनिटीज देने की बात भी करते हैं। क्रिएटिव न्यू इकोनॉमिक हब्स थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट्स एंड एफडीआईज। ओके, हम लोग कह रहे हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे और एफडीआईज लेकर आएंगे। हम वोकल फॉर लोकल की जब बात करते हैं तब हम अपने यहां पर किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग होगा इसकी बात करते हैं, अपने साइड से कोई इन्वेस्टमेंट होगा इसकी बात करते हैं। क्या हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं? आई डोंट थिंक सो। बट स्टिल हम लोग चौथा वाला भी ऑप्शन देख लेते हैं जो कहता है प्रमोटिंग द इंडिजिनस मैन्युफैक्चर एंड सपोर्ट थ्रू फाइनेंशियल एड। यस, यही तो हम कह रहे हैं। ये डायरेक्टली इसका अपोजिट है। ये दोनों ऑप्शंस एक दूसरे को अपोजिट है। ये कहते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन वाला साइन आप समझ लेंगे, ये डायरेक्टली एक दूसरे के लिए अपोजिट ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये कहता है कि हम एफडीआईज देंगे तो ये कहता है कि लोकल फाइनेंशियल एड देंगे, ये कहता है कि डिसइन्वेस्टमेंट देंगे तो ये कहते हैं कि सपोर्ट, मतलब हम इधर से इन्वेस्टमेंट देंगे भारत की तरफ से। तो हम तो चाहते क्या है वोकल फॉर लोकल में, कि भारत ही अपना सपोर्ट डालेगा, भारत अपना इन्वेस्टमेंट देगा और भारत अपने मैन्युफैक्चरिंग को खुद को एक हब बनाएगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जैसे कि फूड फैक्टर ऑफ द वर्ल्ड बनेगा वैसे ही। तो वैसे ही यहां पर सिंपल सा लॉजिक है कि हमें समझ में आता है कि जो तीसरा ऑप्शन है जो कहता है कि हम डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, इस साल हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बात जरूर कर रहे हैं, पर वो वोकल फॉर लोकल के रिलेटेड नहीं आता है। इसलिए ऑब्वियसली नाउ वी नो कि सी इज द, ये सी हमारा जवाब है कि वो नॉट रिलेटेड है। क्या है? नॉट रिलेटेड है, हमें पूछा गया है, नॉट रिलेटेड है ना। तो सी ऐसी चीज है जो नॉट रिलेटेड टू दिस, नॉट रिलेटेड टू व्हाट, वोकल फॉर लोकल। आई होप यू आर गेटिंग दिस, है ना। इट्स बेसिक साइंस, बहुत बेसिक, आई मीन बेसिक इकोनॉमिक साइंस है ना। साइंस तो एक्सक्यूज मी, टेक्निकल साइंस नहीं है बट बेसिक इकोनॉमिक साइंस है। अंडर द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जो हम लोग अभी ऊपर बात कर रहे थे कुछ देर पहले, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, द गवर्नमेंट प्लान्स टू इन्वेस्ट मोर देन रुपीज 102 लाख करोड़ ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बाय 2024-25 विद द सेंटर, स्टेट्स एंड द प्राइवेट सेक्टर टू शेयर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपेक्स जो होता है, जिसको आप कैपेक्स के नाम पे जानते हैं, इस बार बजट में हम लोगों ने देखा कैपेक्स क्या होता है या कैपेक्स कैसे बढ़ाना पड़ेगा हमें भारत की इकोनॉमी को आगे लेकर जाने के लिए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सच एक्सपेंडिचर बाय ईच ऑफ द स्टेक होल्डर्स, हर स्टेक होल्डर से दिया जाने वाला रेशियो क्या होने वाला है, हमें ये जरूर देखना होगा। तो ये क्यों जरूरी है, जैसे कि हम लोगों ने केरल के बारे में बात करी थी, केरला रेलवे, जब सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट की बात करते हैं, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है ना, या फिर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की बात कर लीजिए भैया, बुलेट ट्रेन। तो ऐसे प्रकार के प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए हमेशा सरकारें अपने आप में पैसा या फिर इकोनॉमिकल असिस्टेंस की चीज़ें बांट लेती है कि आप लोग इतना खर्च करेंगे, या फिर आपकी सरकार या फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट इतना खर्च करेगी, या फिर इतने पैसे यहाँ पर
अपने व्यय करेगी इतने पैसों का, तो ये चीज जब हम जानते हैं तो परसेंटेज में इसको देखना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत अगर गवर्नमेंट इतना पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है तो इसमें कितने लोग, इसको हम लोग एक ऐसे पीपीपी मॉडल के तौर पर डेवलप करना चाहते हैं अगर, तो यहां पर स्टेक होल्डर्स को लेकर हर स्टेक होल्डर कितना कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगा, ऐसी बात हो रही है। तो क्वेश्चन अगर हम ये सिंपल सा लॉजिक पूछते हैं, कोई रॉकेट साइंस ज्यादा है नहीं, तो इसमें एक ही चीज है कि सेंटर जो है वो 1% ज्यादा खर्च करेगा इन दोनों लोगों से। किन से दोनों लोगों से? स्टेट से, स्टेट और प्राइवेट सेक्टर, है ना। और सेंटर अगर बात करते हैं तो ये 34 करेगा। एक ये याद रखने जैसे सिंपल सी चीज थी, ठीक है। तो 34, 33, 33 ऐसा खर्चा इन दोनों के द्वारा दिया जाने वाला है। अब भैया आता है एनालिसिस, सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस। इस साल आपको गवर्नमेंट स्कीम्स में, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वो चीज़ें याद रखना जरूरी है। बजट में आपकी यहाँ पर डिजिटल एसेट्स के ऊपर कई सारी बात की जा रही है, जो डिजिटल एसेट्स को लेकर सरकार क्या स्टांस ले रही है वो भी जानना जरूरी है। इसी के साथ में या उसको याद रखना या उसके ऊपर बैंक करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ में हमने एक और बात इस बार बहुत बहुत चर्चा में रहते हुए देखी है कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या चीज़ें हो रही है, क्या क्या है। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है, ये भी आपको जानना बड़ा जरूरी है। वैसे तो ये पिछले साल की चीज़ है, लेकिन इसके ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत देखा जा रहा है। तो आई बैंक ऑन दिस कि मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है ना, तो ये बड़ा जरूरी है, जिसके तहत हम लोग 6 लाख करोड़ के भारतीय देश के एसेट्स जो है उनको हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर डालने वाले हैं। तो इकोनॉमी में ये बड़ा ही इस बार का बड़ा चर्चा में रहने वाला टॉपिक है, तो जरूर आप इसके ऊपर खोजबीन कर सकते हैं। अगला पैसेज देख लेते हैं। द सेंट्रल बैंक डज नॉट डिस्क्लोज इट्स फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, क्या बात करता है ये? थोड़ा थोड़ा हमें मेन मेन चीजें देख लेते हैं। ये सेंट्रल बैंक, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आरबीआई के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, चलो आरबीआई ये भी जान लिया हमने। अगली बात, मतलब अगर ये इंडिया की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली, ठीक है। अब इसी के साथ हमने क्या देखा, फॉरेन एक्सचेंज, ओके फॉरेक्स की बात कर रहा है। फॉरेन एक्सचेंज कितना था, कितना हो गया है 2013 में, अब हम लोग उसको वापस लेकर आए हैं। 21 अगस्त, 95% राइज ओवर डिस्पाइट कोविड-19 पैंडेमिक, द फॉरेन एक्सचेंज किटी स्वेप्ट बाय 62 बिलियन सिंस मार्च, ओके। मतलब ये बेसिकली फॉरेक्स के बारे में बात कर रहा है, और इसी के साथ में एक जनरल मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात कर रहा है। सिर्फ मॉनेटरी नहीं, लेकिन आरबीआई की पॉलिसीज के बारे में बात कर रहा है, जिसमें आपको जनरली रेपो रेट्स देखने को मिल सकते हैं, है ना, रेपो रेट्स देखने को मिल सकते हैं, CRR देखने को मिल सकता है, SLR देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में सवाल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी के इर्द गिर्द घूमने वाले सवाल हमने देखने को मिलेंगे। एक बार आप अगर ये देख लेते हैं पैसेज, तो यू अंडरस्टैंड इट बेटर। पैसेज पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें एक ओवरव्यू देता है कि हम किस किस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात हो रही है, ठीक है, क्या क्या होते हैं ओपन मार्केट, ये सब भी हम जानेंगे क्या क्या चीज़ें होने वाली है, ठीक है। इसी के साथ हम लोगों ने क्या बोला और क्या इन्होंने कहा हुआ है, कुछ पैसे की वैल्यू हमें दी हुई है कि जिन पैसों की वैल्यू को हम लोग कंपेयर कर सके, ताकि, ठीक है। इसी के साथ में एट द एंड वो कुछ रेपो रेट जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, ठीक है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस जिसमें सरकार अपनी सिक्योरिटीज को खुद एक्सचेंज करती है, ये होता है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, ठीक है। इसी के साथ इन्होंने क्या बोला हुआ है, ट्रांजेक्शन बिफोर मैच्योरिटी रिवर्स, ओके दैट्स इट। और ये कहां से लिया गया है, ये लिया गया है एक सर्व फॉर्म टेकन फ्रॉम द प्रिंट, ये प्रिंट से, द प्रिंट या फिर द, हाँ ये द प्रिंट से लिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि रिप्लेस एक जो आंकड़ा है इसे क्या रिप्लेस किया गया है। तो कई बार जब मैं आपके क्वेश्चंस फॉर्म करता हूं, व्हेन आई फॉर्म अ मॉक फॉर यू, जब मैं आपके लिए मॉक तैयार करता हूं, तो कई बार मेरे लिए क्वेश्चंस में के टाइम में ये हो जाता है कि यार ये पर्टिकुलर टॉपिक मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए लेकर मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, पर इसमें क्वेश्चन आस्किंग पॉलिसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि मैं डायरेक्ट कोर क्वेश्चन नहीं ढूंढ पा रहा हूँ जो इसके इर्द-गिर्द घूमते हैं। तो कई बार मुझे पैसेज में वो लाइन आती तो है, इन्वॉल्व तो करनी पड़ती है, तो वहां पर मैं अंडरलाइन डाल देता हूँ, ऐसे आपने मॉक में कई बार देखा भी होगा। वैसे यहाँ पर इन्होंने एक डाल दिया, तो नाउ वी हैव टू गो बैक टू द पैसेज कि हमें ये एक ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर ये एक डाला हुआ है, ठीक है। तो जहां पर हमें ये एक मिलेगा वहां पर हमें उस लाइन को पढ़ना है और फिर उसको आगे लेकर जाना है कि अच्छा ठीक है यहाँ पर ये एक हमें मिल गया। ये सेंटेंस शुरू कहां से होता है, अगर हम एक क्वेश्चन फुल फॉर्म देख, फुल स्टॉप देख लेते हैं, तो यहां फुल स्टॉप है, यहां से आगे देखते हैं। फ्रॉम अ लो ऑफ $275 बिलियन इन सेप्टेंबर ऑफ 2013 व्हेन रुपी केम अंडर सीवियर प्रेशर ड्यू टू सो कॉल्ड टेपर टैंटरम्स बाय द यूएस फेडरल रिजर्व, इंडिया नाउ हैज रिकॉर्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ -$1 बिलियन। तो इसका मतलब भारत में पिछले साल कितने रुपए का रिजर्व रखा हुआ था, ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है, या आपको याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा टू द पॉइंट क्वेश्चन है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ना आप कुछ कर सकते हैं, टू द पॉइंट अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इसका मतलब जब आप इस साल पढ़ेंगे तो आपको टू द पॉइंट भी चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा भी इस चीज को ऑब्जर्व किया हुआ है आपने, तो 537 बिलियन का हमारे पास में काफी सच में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजर्व था, है ना। तो इकोनॉमी से बड़ा प्यार है ये हमें देखने को मिल रहा है, जो हमारी एग्जामिनिंग बॉडी है उसको इकोनॉमी से बड़ा प्यार है, तो इकोनॉमी में हम इस साल भी फोकस कर रहे हैं, इसलिए आपको भी हमेशा ध्यान देना है। जैसे कि अगर हम जानते हैं कि 9th कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए, अभी हम आरबीआई की बात कर ही रहे थे, तो आरबीआई ने 9th कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए, है ना, कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए अपना रेपो रेट सेम रखा है,
है ना, रेपो रेट का मतलब होता है ऐसा रेट जिस रेट से आरबीआई या सेंट्रल बैंक उस देश के बाकी कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करती है। रेपो रेट 9th कंसेक्यूटिव टर्म के लिए सेम रखा है, यानी कि 9वें क्वार्टर के लिए, है ना। तो हम जानते हैं कि कितने महीने उसमें कवर हुए होंगे, तो इसके बावजूद भी वो सेम रखा है फाइनेंशियल ईयर, काफी दो फाइनेंशियल ईयर से ये हमें सेम देखने को मिल रहा है रेपो रेट है। तो ये सारे चेंजेस जो है या जो कंपैरिजन है ये हमारे लिए बड़ी जरूरी हो जाती है, क्योंकि इस बार इस पर्टिकुलर चीज से अपन क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में जैसे कि आरबीआई की और भी पॉलिसीज है, अगर सीआरआर एसएलआर की हम बात कर रहे थे, रिवर्स रेपो की बात कर रहे थे, रिवर्स रेपो जो है वो 3.35 पे हमें देखने को मिलता है। रिवर्स रेपो इस बार का 3.35 पे देखने को मिलता है। तो ये पर्टिकुलर आंकड़े की अगर हम बात कर लेते तो वो ये कहते हैं, ये उस वाले क्वेश्चन में ये आंकड़ा था, ये अभी चेंज हो जाएगा ऑब्वियस सी बात है, और अब उसको लेके हमें बात करना जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन रिपीट होंगे, बट उसके किस चीज के इर्द-गिर्द घूम सकते हैं ये जानना हमारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ में मॉनेटरी पॉलिसी कौन प्रोवाइड करता है, अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव बीन रिसेंटली यूज्ड बाय आरबीआई टू बूस्ट द इकोनॉमी ड्यूरिंग द करंट पैंडेमिक सिचुएशन। करंट पैंडेमिक सिचुएशन में हमने कौन सी चीजें जो है वो यूज करी है, ये जानना चाहता है हमसे। तो ऑब्वियस सी बात है, आप हमेशा अगर आरबीआई की पॉलिसीज को फॉलो करते आते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन सी पॉलिसीज इसमें से आरबीआई यूज करता है, ठीक है। एलटीआरओस तो अभी खुद पैसेज ही बोल रहा था, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, यस वी डू यूज दिस, है ना। सरकार अपनी खुद की सिक्योरिटीज को डील करता है। अब सेम चीज आपको देखती है ओपन मार्केट ऑपरेशंस में, जिसमें सरकार अपने खुद की सिक्योरिटीज को डील करता है। इसमें टाइम पीरियड दिया जाता है 1 ईयर से लेके आगे इंक्रीमेंट का टाइम दिया जाता है। तो ये लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस को लेकर बात की जाती है जो अभी कर रही है सरकार, क्योंकि 9th कंसेक्यूटिव टर्म के लिए रेपो रेट इसीलिए नहीं बदला गया है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस को लेकर है। सरकार चाहती है कि मार्केट में लिक्विडिटी का फ्लो बढ़ा रहे, बहुत कॉम्प्लेक्स कंडीशंस होती है कुछ इसीलिए। फॉरेक्स स्वैप का भी सेम मतलब है कि फॉरेक्स स्वैप में भारत चाहता है कि जितने ज्यादा स्वैप एक इंस्ट्रूमेंट है, स्वैप क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, स्वैप एक इंस्ट्रूमेंट है। तो उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके सरकार चाहती है कि या सरकार या सेंट्रल बैंक चाहती है कि हम लोग कहीं ना कहीं लिक्विडिटी का जो फ्लो है या मार्केट में जो पैसों का फ्लो है उसको मेंटेन करके रखे, ताकि हमारे यहाँ पर मनी बेस्ड मार्केट जो है या सप्लाई बेस्ड मार्केट जो है, कोई भी किसी भी प्रकार का मार्केट आए लेकिन वो कंटिन्यूसली ऑन ग्रोइंग वाला मार्केट होना चाहिए। जैसे कि हमारे ग्रोथ की जो अजम्पशन दिए जाता है, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे ने हमें अजम्पशन दिए हुए थे कि हम लोग 8 से 8.5 के बीच में रहेंगे कहीं ना कहीं, या 9 से 9.5 के बीच में रहेंगे कहीं ना कहीं, बट एग्जैक्टली हमारा जो आंकड़ा है वो कुछ और कहता है। इन्फ्लेशन की अगर हम बात कर लेते तो हम लोग 10 आंकड़े को छूने वाले हैं, करीब करीब 9.8 दिसंबर में था। तो इतने ये जो डिफरेंसेस हैं ये हमें थोड़े याद रखने जरूरी हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट टू, सो द प्रीवियस वन द आंसर ऑटोमेटिकली बिकम्स डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इनमें से सारे ऑपरेशंस हम लोगों ने यूज लिए हैं। इन दोनों को तो पैसेज खुद ही बता देता है किनको हमने किया हुआ है, फॉरेक्स स्वैप भी पैसेज खुद बता देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट टू द लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, जिसके बारे में अभी हमने बात करी, एलटीआरओज एज मेजर टू सपोर्ट इकोनॉमी इन कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन। इसमें से कौन सी चीज एलटीआरओस को यहाँ पर कहीं ना कहीं रिलेट करती है, कौन सी चीज है वो हमें जान लेनी है। इट इज द मेजर दैट इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग डाउन शॉर्ट टर्म रेट्स, यस ये शॉर्ट टर्म रेट्स मतलब कि छोटे छोटे टर्म के लिए एक क्वार्टर के लिए एक रेट रखा और फिर वापस बदल दिया, इसको हमें हटाना है। ऑल्सो बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, यस वेरी गुड। तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करते रहे कंटिन्यूअसली, जिसमें लोगों के अंदर डर नहीं बैठा रहे कि रेपो रेट चेंज हो जाने से हमारी इकोनॉमी के ऊपर, जो बेसिक इकोनॉमी है, यूजफुलनेस है इकोनॉमी की, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो आई होप आपको यह समझ में आ रहा है। अगला, इट वुड एनकरेज बैंक्स टू अंडरटेक मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन स्मूथली एंड सीमलेसली सो दैट ऑगमेंट क्रेडिट फ्लोस टू द प्रोडक्टिव सेक्टर्स। यस, ऐसे ऐसे प्रोडक्टिव सेक्टर्स में पैसा डालना जरूरी हो जाता है सरकार के लिए, क्योंकि वही तो एट लास्ट हमारा एक एम है कि हम लोग इस सेक्टर को ग्रो करना चाहते हैं, तो प्रोडक्टिव सेक्टर्स में पैसा लगाना जरूरी है। इट विल एनहांस लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम, इसी के बारे में हम इतनी देर से बात कर रहे थे कि लिक्विडिटी बढ़ाना चाहता है सरकार, मार्केट में पैसा लाना चाहता है, ताकि हमारी परचेस पावर पैरिटी जो होती है जो उसको लेकर हम लोग कमेंट कर सके, रुपीज बाय रुपीज 1 ट्रिलियन, यस ये चाहता है कि हमारी लिक्विडिटी बढ़ जाए और बाय रुपीज 1 ट्रिलियन 1,00,000 करोड़ रुपए से, और एक ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिक साइंस अगर आप लगाएंगे, बेसिक एक रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक कॉमन सेंस भी लगाएंगे, तो भी एलिमिनेशन मेथड से आपको पता लगेगा कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस में इसका मतलब है कि रेपो रेट्स विल बी रिमेनिंग अनचेंज्ड और रेपो रेट्स विल रिमेन अनचेंज्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो इतने से अगर बात है तो ये तो आपको सही लगेगा ही लगेगा। उसी के साथ में आपको पता चलेगा कि ये स्मूथली ट्रांसफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है और ये 1 ट्रिलियन तक लेके जाने के भी रिलेशन रखता है बेसिक है, अगर पर इसके लिए आपको पढ़ा होना बड़ा बहुत जरूरी है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव अगेन बिकम्स द राइट आंसर, डी बिकम्स द राइट आंसर। Let's move on. Which of the following will be used as a platform for core banking solutions to implement LTRO? तो LTRO को use करने के लिए कौन काम आएगा भैया हमको? RBI के द्वारा 2016 में ही ये launch कर दिया था, बहुत पहले उन्होंने launch कर दिया था, फिर उसमें बदलाव भी आते रहे continuously। तो ये आपके लिए पूरा पूरा आपको पढ़ा होना चाहिए कि ई कुबेर जो है, ई कुबेर
ये यूज किया जाएगा, तो इकोबेर आपके लिए पूरा पूरा पड़ा होना चाहिए। इकोबेर वैसे अगर आप देखेंगे तो एक और प्रोग्राम भी है, बट पर्टिकुलरली इन रिलेशन विद दिस तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है। अगर हम देखते हैं कि जैसे कि मैंने आपको अभी अभी आरबीआई की पॉलिसी इस साल की बता दी कि नाइन कॉन्जिक्यूटिव टर्म सीआरआर एसएलआर, अगर सीआरआर मुझे सही याद है तो हमारा 18% के अराउंड है। इस प्रकार के कुछ रेशियोज है जो आपको ऑन टर्म्स प्रॉपर एकदम टर्मिनोलॉजी के साथ में प्रॉपर नाम के साथ में याद होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज अगर आप भूल जाते हैं तो आप तुक्केबाजी में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। व्हाट इज द नोटिफाइड अमाउंट ऑफ सम ऑफर्ड बाय द आरबीआई अंडर मेजर्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज स्वैप? नोटिफाइड अमाउंट ऑफ सम ऑफर्ड बाय द आरबीआई, ऐसी सम जो आरबीआई के द्वारा ऑफर की जाती है अंडर द मेजर्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज स्वैप। हम लोग फॉरेन एक्सचेंज स्वैप इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके जितना रकम ऑफर करे जाने वाले हैं या ऑफर करने वाले हैं वो कितना है, इज इट 5 बिलियन, इज इट 16.71 बिलियन, इज इट 16.21 बिलियन और 5.02 बिलियन, तो आपको इसका सवाल जवाब देना बड़ा जरूरी हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा मतलब कोई रॉकेट साइंस है नहीं, पर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये चारों एक दूसरे से रिलेट करता है, छोटे आसपास वाले आंकड़े हैं, है ना, ये मतलब ये दोनों एक सेम आंकड़े हैं और ये दोनों सेम आंकड़े हैं, तो आपको इतना पर्टिकुलर पता होना चाहिए था कि ये 02 इसमें है ही नहीं, 5 बिलियन इज द राइट आंसर, है ना, तो ये 02 इन्होंने जानबूझ के लगाया, ये आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, तो ये तो बाकी सारे सवाल है ही नहीं, बट 5 बिलियन एक प्रॉपर राउंड फिगर आंकड़ा है जो इस बार फॉरेन एक्सचेंज स्वैप के तहत दिया जाने वाला था। जैसे फॉरेन एक्सचेंज स्वैप इस बार क्यों चर्चा है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज स्वैप के लिए या करेंसी स्वैप के नाम पर, करेंसी स्वैप जो ऑलरेडी इफ आई एम नॉट रॉन्ग श्रीलंका ने इसके लिए लोन लिया हुआ था करेंसी स्वैप के तौर पर, तो उसको क्लियर करने के लिए भारत ने उनको 400 मिलियन दिए है, यूएस डॉलर दिए हैं, है ना, तो ये आपको याद रखना है। इन्होंने किससे लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अगेन इट्स टेकन फ्रॉम AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक जो है उनसे द्वारा लिया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा लिया हुआ था, तो उसको पे करने के लिए इन्होंने हमसे पैसे लिए हैं। सो ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स ये आपको ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। हम लोग फटाफट मूव ऑन कर रहे हैं ताकि हम लोग जानकारी ले सके और भी ज्यादा से ज्यादा चीज़ों के बारे में। अच्छा, राफेल डील के बारे में बात की जा रही है, राफेल डील क्या है, राफेल डील में किस किस के बारे में डील किया गया है, फर्स्ट बात की जा रही है राफेल जेट्स के बारे में। हम लोग जानते हैं कि राफेल जेट्स की क्या डील है, 36 राफेल जेट्स आने वाले थे, उसमें से पहला बैच आ गया है, पहला बैच कहाँ गया, गोल्डन स्क्वाड्रन में गया, ये सब चीज़ें उस टाइम में आपको याद रखना बड़ा जरूरी था आपके लिए, अदरवाइज तो फिर क्योंकि कोर चीज़ें हैं कुछ है ना, तो वो चीज़ें आपको याद रखनी है कि भैया कोर जो चीज़ें हमारे लिए कोर है उनको आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। राफेल जेट उड़ाने वाले इस साल हम लोग देखे कि पहली महिला कौन है, है ना, वो कहाँ से आती है, क्या वो एयरफोर्स से है या नेवी से है, ये कई सारे सवाल इस बार बन सकते हैं अगर आप चाहते हैं डिफेंस सेक्टर को लेकर, तो ये पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे तो अपना डिफेंस सेक्टर है, किसके बारे में है ये सवाल, डिफेंस सेक्टर के बारे में है। वेयर द फाइटर जेट्स विल ऑफिशियली बी इंडक्टेड, कहाँ जाने वाले हैं, इंडियन एयरफोर्स में हरियाणा अंबाला में जाने वाले हैं, ठीक है। बिल्ड बाय फ्रेंच एविएशन फर्म कौन सी, तो ये जो वन है इसका मतलब ये यहाँ पर सवाल पूछना चाह रहे हैं, सिंपल सा लॉजिक है, ये वन मतलब सवाल पूछना चाह रहे हैं। हम लोग ये सेंटेंस पढ़ के ही बता देंगे कि द फाइटर जेट्स बिल्ट बाय द फ्रेंच एविएशन कौन सी, फ्रेंच एविएशन फर्म, क्या है फर्म का नाम, दसॉल्ट, क्या नाम है, दसॉल्ट, है ना, दसॉल्ट या फिर दसॉल्ट जो भी आप उसको कहना चाहेंगे ये, और ये कौन से एयरबेस से वहां से उड़ के आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ ये लोग रुके हुए थे, लैंडेड सेफली कहीं और रुके हुए थे फिर वहां से वापस उड़ के आ रहे हैं, और ये क्या क्या हमारे साथ टोटल 36 में से पहले कुछ आए हुए हैं, डील कितने हजार करोड़ की है, इसमें भारत की कौन सी इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व थी, ये भी हम सब हमें पता होना बड़ा जरूरी था, क्योंकि हम लोगों ने इसके ऊपर कुछ इजरायली वो लगाया हुआ है, वेपन लगाए हुए हैं, सिस्टम लगाई हुई है, तो वो भी हमें जानना जरूरी है। इसी के साथ में हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा ही वेलकम करते हैं भारत में, जो हमारे लिए डिफेंस के एक माइलस्टोन साबित होने वाला है। द राफेल डील बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस इज सीन टू कैरी ग्रेट स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली इंपैक्टेड बाय दिस डील, इससे किसके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट होने वाला है, जॉइंट स्ट्रेटजी विजन ऑफ इंडिया फ्रांस कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशन रीजन, द वन बेल्ट वन रोड मिशन ऑफ द चाइना, इसके ऊपर क्या कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है भैया, ये तो बेसिक चीज हटा दो, चाइनीज इनिशिएटिव टू बिल्ड अ न्यू सिल्क रूट, इसमें भी डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, द ट्रेड रूट ऑफ मिडिल ईस्ट, क्या बिल्कुल अटर नॉनसेंस, अगर आपको पता चलेगा कि ये फ्री में मार्क्स देने के लिए बनाया गया क्वेश्चन है, भारत में राफेल आने की वजह से सिल्क रूट पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, वन बेल्ट वन रोड पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, सीपीईसी पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, चाबहार पोर्ट पे कोई फर्क पड़ेगा, ग्वादर पोर्ट पे कोई फर्क पड़ेगा, हम्बनटोटा पे फर्क पड़ेगा, ये दूर दूर की चीज़ है ना, तो दिस इज ऐसी कोई भी सवाल
जो आपको आता है तो डायरेक्ट मार्क के लिए, तो उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है हमें। तो ये किसके ऊपर करेगा? फ्रांस कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। फ्रांस के साथ में भारत की बड़े अच्छे अच्छे ट्रेड के संबंध है। वहाँ के जो हेड ऑफ द स्टेट है इमैनुअल मैक्रॉन, और जैसे भारत के हेड ऑफ द स्टेट है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो इनके बीच में भी अच्छे संबंध है, बातचीत होती रहती है। हम लोग कई बार इकोनॉमी के ऊपर भी डील करते हैं तो बेहतरीन डील्स होती है। हम लोग ऑलमोस्ट टेक ओवर करने वाले फ्रांस को, पर कैपिटल इनकम में पीछे रह जाते हैं, कई सारी चीज़ें। बट यस, इसको हमें याद रखना है, बाकी इन सब चीज़ों के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, बेसिक है। द इंडियन एयरफोर्स इज ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोक्यूरिंग अ न्यू जनरेशन मीडियम रेंज मॉड्यूलर एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम। एक ऐसा वेपन सिस्टम जो एयर टू ग्राउंड रहेगा, ठीक है, मीडियम रेंज होगा सिस्टम, हैमर, जिसका नाम होने वाला है हैमर। अब ये तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए था। टू इंटीग्रेट विद राफेल जेट्स, व्हाट डज द टर्म हैमर मींस? तो मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए था कि कौन सी वेपन सिस्टम हैमर नाम है उसका। अगर तो हैमर तो बहुत बात की बात है, पर वो वहां पर इंडल्ज किया जाएगा या उसके ऊपर इसको इंस्टॉल किया जाएगा, वो आपके लिए पता होना बड़ा जरूरी था। तो ये एजाइल सिस्टम होती है, ये हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, ये इसका फुल फॉर्म है हैमर का। तो ये आपको टू द पॉइंट, मतलब मुद्दा मेरा बताने का ये है कि आपको टू द पॉइंट पता होना चाहिए था। इस बार आपको क्या पता होना जरूरी है अगर आप डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं, तो जैसे कि AK-203 के बारे में, जो रशिया से हम लोग ले रहे हैं, तो इसका प्लांट कहाँ अमेठी में लगने वाला है, ये आपको पता होना जरूरी है ना। जस्ट एग्जाम्पलीफाइंग दिस, नॉट नेसेसरीली कि आपको ये याद, अरे सर ये तो याद नहीं आ रहा, मैं तो टेंशन में आ गया, ऐसी बात नहीं है। बट यस, हम लोग इसके ऊपर बात कर चुके हैं ना ऑलरेडी, तो आपको ये थोड़ा सा याद होना जरूरी है ना। तो कि हम लोग, क्योंकि अमेठी वाली बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, 2+2 डायलॉग की बात कर चुके हैं, 2+2 डायलॉग है ना, किसके बीच में है ये, इंडिया और रशिया, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर भी होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं प्लस फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, है ना। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना जरूरी, दोनों मतलब कि इस प्रकार की चीज़ें आपको याद रखना जरूरी है, बेसिक चीज़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिप्लेस्ड बाय वन इन द पैसेज, ये वन किसके जगह आया था? डसॉल्ट की जगह आया था, तो पहले ही बात करी थी हमने, है ना। डसॉल्ट नाम की कंपनी है, फ्रांस की एविएशन कंपनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइन असेंबली एंड फैब्रिकेशन ऑफ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स? कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स का फैब्रिकेशन, असेंबली, डिजाइन, ये सब करने के लिए भारत में कौन सी ऐसी, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल रहती है? तो ये आपके लिए भी जानना जरूरी है, पता होना आपको ऑलरेडी जरूरी था कि क्या वो DRDO है, क्या वो HAL है, क्या वो DRAI है या फिर ISRO है। तो ये बड़ा ही बेसिक सा, बहुत ज्यादा इसमें नहीं था, पर आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ना, HAL जो है ये इसमें डील करता है। एक और वैसी कंपनी है जो इस मामले में डील कर रही है, लेकिन वो राफेल के पर्टिकुलर इसमें डील कर रही थी, तो जो हमें पता है कि रिलायंस का जो और अपना एक अंडरटेकन वो था, प्रोजेक्ट था, उसके बारे में ये डील करती थी। वही सवाल है ये पांचवा आपका, जो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस इज अ मेजर ऑफसेट पार्टनर। ऑफसेट पार्टनर का मतलब होता है कि एक ऐसा पार्टनर जो आपके साथ करी हुई डील को डिजाइन करने में या डेवलप करने में मदद करे, और ये सीधा सीधा किसी भी देश के साथ में जब आप कोई अकॉर्ड करते हैं या कोई ट्रीटी करते हैं या संधि करते हैं या किसी प्रकार की डील करते हैं, तो उस वक्त ऑफसेट पार्टनर होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो उस कंपनी के बिहाफ पर यहाँ पर डील करेगा और अपने इन्वेस्टमेंट को भी बूस्ट करेगा। तो हर देश अपने लिए एक ऑफसेट पार्टनर जरूर चुनता है। तो भारत की तरफ से ये मौका किसको मिला? क्या ये HAL को ही मिला, क्या ये रिलायंस डिफेंस लिमिटेड को मिला, क्या ये रिलायंस को नेवल एंड इंजीनियरिंग वालों को मिला, या फिर पीपैप डिफेंस को मिला? तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी था। तो इसके सेंस में अगर हम बात करते हैं तो ये रिलायंस डिफेंस लिमिटेड को मिला था। इसका मतलब भारत में वैसे तो डिजाइनिंग वगैरह के लिए जो जिम्मेदार है वो होता है हिंदुस्तान, और इसकी वजह से काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इतनी पुरानी हमारी ऐसी कंपनी जो प्राइवेटाइज नहीं है, ऐसी कंपनी होने के बावजूद भी हमने एक प्राइवेट कंपनी को ये क्यों जाने दिया। तो खैर ये क्रिटिसिज्म हमारे काम की बात नहीं है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पैसेज, इट सेज कि 8 मई को इंडियन डिफेंस मिनिस्टर वर्चुअली इनॉग्रेटेड 80 किलोमीटर लॉन्ग रोड इन हिमालयाज। भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने 80 किलोमीटर लॉन्ग रोड हिमालयाज में इनॉग्रेट किया हुआ है, जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम हुई नेपाली गवर्नमेंट को, क्योंकि उन्होंने लगे हाथ वहां पर, क्या एक ट्राइजंक्शन है जिसको अगर आप जानते होंगे, कालापानी ट्राइजंक्शन, काफी ऊंचाई पर पड़ता है एरिया, तो उसको लेकर जो डिस्प्यूट हुआ था उसके बारे में ये पैसेज बात करता है। लिपू लेक को आप जानते हैं, लिपू लेक पास, ठीक है, लिपू लेक पास। तो ये सारे सवाल यहाँ पर, इसके रिलेटेड क्या सवाल है, हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसेज का क्रक्स भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है पैसेज? पैसेज का क्रक्स ये कह रहा है कि उनको प्रॉब्लम हुई, उसके बाद उन्होंने बोला कि 400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसको इंडिया क्लेम करता है, टेरेस्ट्रियल एरिया है जिसको इंडिया क्लेम करता है, नहीं ये नेपाल क्लेम करता है। इंडिया ये जानता है कि भैया हमारा एरिया है, या इंडिया चाहता है बोलना कि हमारा एरिया है। कौन से नाम है ये हमें क्वेश्चंस में देखने को मिल ही जाएंगे। लेट्स मूव ऑन। कहां से लिया गया है भैया? डायरेक्ट लिया गया है डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनो जेवियर एक्सपर्ट brookings.edu। तो अलग अलग जगह से उठा सकते हैं, लेकिन टॉपिक्स तो वही रहने वाले हैं, तो उनको तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स कैन बी सीन एज अ डायरेक्ट कॉज ऑफ द बॉर्डर डिस्प्यूट? भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो होने के लिए सबसे बड़ी वजह क्या देखी जा सकती है कि डिफेंस मिनिस्टर ने 80 किलोमीटर लॉन्ग जो बोला अपन ने अभी हिमालयाज में रोड बिल्ड किया है,
The 2015 agreement between India and China for using the Lipu Lake Pass for trade, भारत और चाइना उससे करीबी फील कर रहे हैं उस ट्रेड के लिए लिपु लेक पास का इस्तेमाल करके. नेपाल इसमें सब्सटेंशियली एग्रीवेटेड फील कर रहा है क्योंकि उसको साइड में रखा जा रहा है. इंडिया पब्लिश्ड अ न्यू मैप विच शोड द रीजन ऑफ कालापानी एज अ पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी. ये कहां पर हम लोग दिखा रहे हैं, उत्तराखंड में. अगर आपको याद हो, ये तो इशू सारे अपन ने पढ़े हुए हैं पर अपने लिए अभी एक आम नहीं, 2020 का करंट अफेयर्स है, अभी चर्चा में नहीं है, है ना. तो उत्तराखंड में पिथौरागढ़ नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पर हम लोग चाहते हैं कि ये टेरिटरी हमारी दिखाई जाए. तो प्रैक्टिकली यू है कि ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं ना कहीं तो इन सारी चीजों को लेकर ये चर्चा में है और इसी ये ट्रिगरिंग पॉइंट रहे हैं सारे के सारे. ये भले थोड़ा पुराना हो, तो भले थोड़ा पुराना हो लेकिन ये तो अभी करंट वाले है, तो ये कौन से इंसिडेंट्स है डायरेक्ट कॉज देखे जा सकते हैं, तो ये सारे इंसिडेंट्स है जो डायरेक्ट कॉज के तौर पर देखे जा सकते हैं. नेक्स्ट वन इज द कंफ्यूजन बिटवीन नेपाल एंड इंडिया कंसिस्ट ऑफ अ डिस्प्यूट ओवर ट्राइजंक्चर ऑफ. कौन सा ट्राइजंक्चर की बात कर रहे हैं भैया हम लोग. मैं अभी आपको वही बता रहा था जो ऊंचाई पर है, कैसा एरिया पड़ता है, लिपु लेक पास है और नेपाल के साथ हम लोग डिस्प्यूट में है उसमें. तो कौन से ऐसे ट्राइजंक्चर है, तो वो है कालापानी, लिम्पिया धुरा और लिपु लेक. ये ट्राइजंक्चर है जहां पर हम लोग लेकर बैठे हुए हैं हमारे जो एकदम अपर नॉर्दर्न बॉर्डर्स है वहां से लेकर और उनके लिए एकदम सदर्न बॉर्डर्स है वहां पर लेकर. ये तीन ट्राइजंक्चर है, तीनों जगहों को लेकर ऑलमोस्ट लड़े में रहते हैं. ट्रीटी ऑफ सुगोवली, ट्रीटी ऑफ सुगोवली थोड़ा सा हिस्ट्री में डेट बैक करना पड़ेगा 1814 में भैया, ठीक है. याद रखने की जरूरत नहीं लेकिन स्टोरी टेलिंग है तो हम बात कर ही लेते हैं. इस बार जैसे इंटर रिलेशन की बात होगी तो हम लोग जानते हैं कि भारत इसराइल के बारे में बात की जाएगी. भारत इसराइल के क्यों, क्योंकि हम लोगों ने 30 साल पूरे करे हुए हैं हमारे ट्रेड्स को लेकर या हमारे रिलेशन को लेकर हम 30 साल पूरे कर रहे हैं. कुछ दिनों पहले अभी हमने देखा भारत श्रीलंका की बात की जाएगी क्योंकि फिशरमैन का इशू बड़ा ही चर्चा में है. भारत यूएस को इतनी ज्यादा लेकर बात नहीं की जाएगी पर फिर भी क्या पता बात की जा सकती है क्योंकि हम जानते हैं कि रिसेंटली भारत और रशिया, भारत और यूएसए कई सारे एग्रीमेंट साइन करने के लिए तड़प रहे थे. भारत और यूके ने अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में एक बात करी है, है ना. तो वो भी हम लोग जानते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर क्या प्रेफरेंशियल ट्रेड हम लोग करने वाले हैं किसके साथ और ये पेंडिंग में है, ये सब चीजों को लेकर सवाल पूछे जा सकते हैं. बैक टू द टॉपिक, 1814 में ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में लड़ाई हुई. वहां तब के रूलर थे शाह. तो शाह साहब ने ये किया कि हमारे एरिया को मैं अपने अंडर लेकर आऊंगा, इस बात को वो इस बात पे अड़िग रहे और इसी बात को लेकर ये लड़ाइयां हुई. 2 साल तक ये वॉर चला और फाइनली ट्रीटी ऑफ सुगोवली या सुगाली या सुगोली आप उसको बोल सकते हैं, ट्रीटी ऑफ सुगोली करी गई, ऐसा तय किया गया. और ये क्या तय हुआ कि किसके बीच में किया जाता है, ऑब्वियसली बात है ये किसके बीच में किया गया था ये हम लोग देख लेते हैं. तो ये किसके बीच में की गई थी ट्रीटी, एक ऐसी ट्रीटी है जो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि तब के हमारा ब्रिटिश हमारे ऊपर जो राज कर रहे थे, ऑब्वियसली वो ब्रिटिशों का राज नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, वो एक कॉर्पोरेशन का राज था हमारे ऊपर, एक कंपनी का राज था. ब्रिटिशों का शासन हमारे पास बहुत बाद में 1857 के बाद में शुरू होता है जब ब्रिटिश सत्ता तय करती है, तो ऑलमोस्ट 1860 के बाद में पहला हमारा चार्टर जब आता है तब उसके बाद में हमारे पास में उनकी सत्ता शुरू होती है. तो अगर हम 1858 वगैरह चार्टर आए थे तो ये सारे साल जो है वहां से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ब्रिटिशों के हमारे ऊपर सत्ता के. उसके पहले हमारे ऊपर ब्रिटिशों की सत्ता नहीं थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर राज कर रही थी. वो तो राज करने के लिए प्रैक्टिकली आई नहीं थी, वो तो बाद में लॉर्ड डलहौसी या उनके पहले अगर थोड़ा सा जाते हैं वे बैक आप 20 सालों के लिए, तो तब उन्होंने जाके हमारे ऊपर राज करना शुरू किया. रिसेंटली नेपाल हैज इशूड अ मैप क्लेमिंग लिपु लेक पास एज अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इंक्लूडिंग विच डिस्ट्रिक्ट. जैसे हमने पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करी थी, हम लोग मानते हैं कि वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, वैसे उनके लिए वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो डी से शुरू होता है और वो डारचूला डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं. पिछला आपको आई होप समझ में आया कि 1814 में लड़ाई शुरू हुई और 1816 में ये ट्रीटी कही गई थी, ठीक है. कब की गई थी, 1816 में ट्रीटी कही गई थी, है ना. याद रखने की अभी जरूरत नहीं है, अभी ये चर्चा में नहीं है पर फिर भी बता दिया. नेक्स्ट वन इज वो दारचूला का पार्ट मानते हैं, दारचूला नेपाल का एक हिस्सा है, डिस्ट्रिक्ट है, वहां नेपाल मानता है कि ये हमारा पार्ट है और हम कहते हैं कि ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड एज द नारायणी रिवर इन नेपाल. ऐसी कौन सी नदी है जिसको नारायणी रिवर के नाम से नेपाल में जाना जाता है जो हमारे पास में कोई और नाम धारण करती है. गंडक नदी है जो भारत में कुछ और नाम धारण करती है, हम लोग जानते हैं बिहार वगैरह से क्या फ्लो है उसका नदी का और वही नाम धारण करती है वो नारायणी के नाम से नेपाल में. आगे बढ़कर देखते हैं, अगला पैसेज आ चुका है. अगला पैसेज कहता है कि मेजर डिफरेंस बिटवीन द न्यू ओके. तो ये नई अपनी भारत की नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करता है जिसके तहत हम जानते हैं कि कर्नाटका में हम लोग ऑलरेडी नए क्यूरिकुलम को लेकर बहुत सारे डेवलपमेंट्स कर चुके हैं. या नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम लोग जानते हैं कि पूरे एजुकेशन का जो ढांचा वो बदलने वाला है. 2030 तक हम लोग सारे क्यूरिकुलम्स को बदलने की क्षमता रखते हैं या फिर ये अरमान रखते हैं कि 2030 तक हम लोग ये सारे बदल देंगे. तो ये सब चीज़ों को लेकर हम डील कर रहे हैं इसके पहले कि 1968 और 86 एक और चीज़ आंकड़ा है ना इसमें 86 तो दो बार इसके ऊपर हमने काम किया हुआ है. क्या किया रहा 86, ठीक है. 1992 presented themselves as attempts to consolidate and build on earlier efforts. तो पहले के efforts क्या है उनके बारे में बात करी जा रही है. हम लोग जानते हैं कि फेयरली क्लियरली ऑन हाउ द हायर एजुकेशन इकोसिस्टम विल बी. हम लोग ये जानते हैं कि आने वाले टाइम में इकोसिस्टम जो है एजुकेशन का वो कैसा होने वाला है 2040 वगैरह तक. ये सारी बातें यहाँ पर की जा रही हैं. तो ये जनरली बात करता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है. ये कहाँ से लिया गया है, तो ये नितिन मेहता गगन कहाँ से लिया गया, डाउन टू अर्थ और ये ब्लॉग्स से भी आर्टिकल्स आपके लिए लिए जाते हैं.
ठीक है, कहां से लिया जाता है, ब्लॉग से भी आर्टिकल लिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू इन रिलेशन टू द चेंजेस इनविजेंट इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो हमारी न्यू या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में आई हुई, उसके बारे में क्या, कौन से स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू इन द रिलेशन, कौन से ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू है। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्स एट मेकिंग इंडिया ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, ठीक है, कि आप सोच के देखिए बेसिकली कि क्या हम ये चाहते होंगे, ठीक है। दूसरा, नॉट ट्रू ढूंढना है तो सच में ये चाहते ही होंगे ना, कौन सा देश नहीं चाहता कि हम सुपर पावर बन जाए, कौन सा देश नहीं चाहता कि हम विश्व गुरु बन जाए, तो सब चाहते हैं तो ऑब्वियसली। द रीनेमिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये भी किया गया है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेप था, तो ये लिया गया था और अब हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, वो एजुकेशन मिनिस्ट्री बन चुका है। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल कोर्स क्यूरिकुलम टू प्रोवाइड न्यू क्यूरिकुलम बाय 2021, ओके। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम्स टू फैसिलिटेट एन इंक्लूसिव पार्टिसिपेटरी एंड होलिस्टिक अप्रोच, हम लोग ये जानते हैं ये सारे ऑप्शंस कहीं ना कहीं क्लोज बाय हमें लगते हैं, हमें लगता है कि अच्छा चलो ठीक है, ये कहीं ना कहीं रिलेट टू कर पा रहे हैं यार, पर अब हम ये लोग समझना पड़ेगा हमें कि डेवलपमेंट ऑफ नेशनल कोर्स क्यूरिकुलम टू प्रोवाइड न्यू क्यूरिकुलम बाय 2021, लगे हाथ हम लोग नया क्यूरिकुलम नहीं दे पाने वाले थे, इसलिए ये चीज़ उसे डायरेक्टली रिलेट कर, इस इतने जल्दी हम लोग क्यूरिकुलम चेंज करना नहीं चाहते थे। हर जगह अगर हम क्यूरिकुलम चेंज करना चाहते तो अभी तक वो सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी होती है, हम लोग इसके ऊपर धीरे धीरे काम करना चाहते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्स टू प्रोवाइड अ होलिस्टिक चेंज टू द करंट, एक पूरा चेंज देना चाहती है करंट एजुकेशन सिस्टम को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू, इसमें से कौन सी चीज रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड, इसका एक एम नहीं है या फिर नॉट रिलेटेड है, एम से बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखती है, कौन सी चीज है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी, हमारे एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहता है, एजुकेशन टू प्री स्कूल, कौन सा लेवल से, प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी लेवल तक विद 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, चलो ये भी ठीक है सुन लेते हैं, पहले ऑप्शन क्या कह रहा है वो पूरी बातें सुन लेते हैं, फिर बाद में उसके बारे में डील करेंगे। टू ब्रिंग 20 million आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैक इनटू द मेन स्ट्रीम थ्रू एन ओपन स्कूलिंग सिस्टम, ओके। वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम 6th विद इंटर्नशिप्स टू अचीव 80% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एट अंडर ग्रेजुएट लेवल, हम ये नहीं चाहते, हम लोग यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट लेवल में 80% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो नहीं चाहते, हाँ पर हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की अगर बात करते हैं तो हम ये लोग यूनिवर्सलाइजेशन में चाहते थे कि 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बन जाए सेकेंडरी लेवल तक के एजुकेशन का, इसलिए हम प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के एजुकेशन पर ज्यादा फोकस कर रहे थे। तो ऐसी कोई नई पॉलिसी अगर आती है तो नई पॉलिसी, और इसीलिए हम लोगों ने क्या बोला, मोनेटाइजेशन पॉलिसी इस बार आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, मोनेटाइजेशन पॉलिसी जिसके तहत हम लोग 6 लाख करोड़ के एसेट्स को मोनेटाइज करेंगे, डिसइन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि इंपॉर्टेंट एक चीज हो जाती है टाटा एयर इंडिया, है ना, टाटा एयर इंडिया, मतलब टाटा ने अभी उसको ले लिया ना, एक्वायर कर लिया टाटा एयर इंडिया, ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है जानना, क्योंकि पॉलिसीज पे फोकस दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रपोज्ड एज अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिलिएशन एंड एक्रेडिटेशन अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कौन सी ऐसी चीज है प्रपोज एज अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को बोल रहे या प्रेजेंट कर रही है रिस्पॉन्सिबल फॉर अफिलियशन एंड एक्रेडिटेशन अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020, क्या वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है, HECI है, बिल्कुल इसको प्रस्तुत किया गया था। तो हम लोग ये जानते हैं कि अब ये अगर नाम आपको पता है तो डायरेक्टली आपको नाम पता है, अदरवाइज तो यू हैव टू स्ट्रगल। इसी के साथ में इन्होंने बोला कि HECI सेटअप किया जाएगा और ये एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी होगी फॉर द एंटायर हायर एजुकेशन, तो इसी के अंडर सारी चीजें आएगी। तो नाउ वी नो कि यही चीज है, HECI को ही एस्टेब्लिश किया गया था, इसमें ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन नहीं है, सो दैट वी वोंट गो जजिंग बाकी सारे ऑप्शंस को, डायरेक्टली आगे बढ़ेंगे। लेट्स मूव ऑन की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्टिकल अंडर द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, वही HECI के अंडर एक डायरेक्ट वर्टिकल कौन नहीं होगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर एक ऐसा कौन सा वर्टिकल इसमें से जो नहीं होने वाला है नेशनल हायर एजुकेशन, क्योंकि वो तो अम्ब्रेला है ना, वर्टिकल्स क्यों होने वाले बच्चे लोग उसके नीचे, क्योंकि वो अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला का मतलब क्या होता है, एक छाता वाली पॉलिसी, बड़ा छाता है उसके अंदर और भी चीजें हैं, कई सारे लोग खड़े हैं, तो वो कई सारे वर्टिकल्स हुए, उनको हमें जानना है या पहचानना है। तो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, नेशनल एजुकेशन काउंसिल, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, तो इन सारी चीज़ों को लेकर अगर आप समझते हैं, बेसिक सा नॉलेज है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, तो इनमें से कई सारी चीज़ें जो है वो नॉट अ वर्टिकल बोला गया है, तो नेशनल एजुकेशन काउंसिल नाम का कोई भी वर्टिकल नहीं होने वाला है, हम लोग एक्रेडिटेशन काउंसिल होने वाला है क्योंकि ये खुद एजुकेशन काउंसिल से डील करता है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल भी होने वाला है और हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल भी होने वाला है, जैसे कि अब हमारे पास में UGC जैसी संस्था है उसमें भी बदलाव लाए जाएंगे। What is the proposed percentage of expenditure for education out of GDP under the new policy? ये जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसके तहत GDP से हम लोग कितना खर्चा या कितना पैसा एक्सपेंडिचर जो हम निकालना चाहते हैं एजुकेशन के लिए, पर्टिकुलरली इस नई पॉलिसी को इन्वॉल्व कराने के लिए कितने पैसे लाना चाहते हैं, तो 6% आंकड़ा था, टू द पॉइंट, इसका मतलब पिन पॉइंटेड फैक्ट आपको याद होना जरूरी है, अदरवाइज इफ यू डोंट रिमेंबर दिस बिल्कुल भूल जाना भैया, बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, 6% ये आंकड़ा था। अगला पैसेज कहता है डेज आफ्टर इंडिया पाकिस्तान टेंशन स्पिल्ड ओवर, मतलब
इंडिया पाकिस्तान के टेंशन को लेकर बात की जा रही है और एक मीटिंग है यहाँ पर पर्टिकुलरली जो सार्क के बारे में भी बात कर रहे हैं, साउथ एशियन आसियान के बारे में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, जैसे इस बार हम लोगों ने देखा था रैट्स की बात करी थी, है ना, रैट्स, है ना, एंटी टेररिज्म के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, इसी के साथ में समाधान जो हमारे यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी के किया था, तो सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई चीज है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी एक दिया हुआ है तो इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आने ही वाला है। क्या है सेंटेंस पढ़ लेते हैं, कहां से शुरू होता है। ऑल मेंबर कंट्रीज हैव कंफर्म्ड पार्टिसिपेशन इन द मीटिंग टू बी चेयर्ड बाय द प्रदीप कुमार ग्यावाली वन ऑफ नेपाल। इसका मतलब नेपाल का ये व्यक्ति है, इसकी पोजीशन जरूर हमें सवाल में पूछी जाई होगी। तो देख लेते हैं क्या कहता है ये पर्टिकुलरली हमारी इसके बारे में बात कर रहा है कि सार्क और इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के बारे में। इसमें से एक क्या है भैया, ये हमें जानना था। इसका मतलब हमें ग्यावाली साहब कौन है, कौन से पोजीशन पर सर्व करते हैं, ये जानना या ये पता होना बहुत जरूरी था। तो अगर आप ये भूल चुके हैं तो बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो ये वहां के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है जिन्होंने वो मीटिंग अटेंड करी थी। तो ये नाउ वी नो दिस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस इज अ पार्ट ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मतलब सार्क का ये फुल फॉर्म है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये सार्क का फुल फॉर्म है। इसमें से कौन सा एक नेशन जो है वो इसका पार्ट है ऐसा पूछा गया है। इसका मतलब बहुत सारे लोग इसका पार्ट नहीं है। सो नाउ इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपको सीधा जो व्यक्ति पार्ट है वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो इन लोगों में से जो दिए गए लोग हैं, इन लोगों में से कौन सा व्यक्ति इसका पार्ट है ये आपको याद करना था। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, पर आपको ये पर्टिकुलरली याद होना चाहिए कि मालदीव इसका एक पार्ट है और म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया यानी कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वो इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली वैसे ये साउथ एशियन के लिए बात करता है, पर साउथ एशियन मतलब के अंडर हमारे आसपास में आने वाली बांग्लादेश वगैरह की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो इसमें पार्टिसिपेशन लेते हैं। साउथ ईस्ट एशियन यानी कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, तीनों ही साउथ ईस्ट एशियन, हमारे थोड़े और ईस्टर्न साइड में जाते हैं तो वो हमारे पार्ट नहीं हो सकते, इस इंस्टीट्यूशन के पार्ट नहीं हो सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिप्लेस्ड बाय फाइव इन द पैसेज। क्या है रिप्लेसमेंट भैया पांच की, देख लेते हैं पांच किधर है, पांच 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 पांच, ये रहा पांच। पांच क्या बोलता है, मैप ऑफ पाकिस्तान दैट क्लेम्ड इंडियन टेरिटरी, ओके, दिस वाज द ब्लेटेंट डिसरिगार्ड टू द एडवाइजरी बाय द होस्ट डैश अगेंस्ट इट एंड इन अ वायलेशन ऑफ द नॉर्म्स ऑफ द मीटिंग, ठीक है। होस्ट, अच्छा, तो किसी मीटिंग के होस्ट के बारे में बात की जा रही है, तो ये मीटिंग कहां उसके लिए, इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा हमें, है ना। क्या बोलता है कि एसईओ, डिस्पाइट द इंसिडेंट एट द एसईओ वर्चुअल मीटिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑन ट्यूसडे, ड्यूरिंग दैट मीटिंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर राजीव डोवल स्टॉर्म्ड आउट आफ्टर ही सॉ दैट द पाकिस्तान स्पेशल एडवाइजर ऑन नेशनल सिक्योरिटी मोहित यूसुफ हैज यूज्ड sources familiar with the preparation for the meeting told the Hindu, referring to the 8 members of SAARC including 2-3, अच्छा चलो ठीक है ना। तो यहाँ पर 2-3-4 ये देशों के यहाँ पर नाम जो है वो काटे गए हैं, 2-3-4 पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें ये सवाल पूछा जा सकता है ना, stormed out after क्या है, and map of Pakistan that claimed Indian territory, इसने इंडियन टेरिटरी को क्लेम किया था तो बाय द होस्ट, तो हमें वापस क्वेश्चन पे आ जाना चाहिए। वेयर इज आवर क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि पांच को किसने रिप्लेस किया हुआ है। तो होस्ट की अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो आपको वो पता, वो डायरेक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना जरूरी है कि वो रशिया के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये मीटिंग जो है वो रशिया होल्ड कर रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में संबंधों को नॉर्मल कराने के लिए वापस से, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में, जिसमें पाकिस्तान के मैप दिखाने के तरीके से अजीत डोवाल साहब गुस्सा हो गए थे। इंडिया हैज नॉट अग्रीड टू अटेंड अ समिट होस्टेड इन पाकिस्तान बट इट रिमेन्स एज एन इंपॉर्टेंट प्रमोटर ऑफ द सार्क प्रोसेस। हम लोगों ने यह बोला है कि पाकिस्तान में हम जाके समिट तो अटेंड नहीं करेंगे सार्क की, लेकिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द सार्क लीडर्स समिट वॉज हेल्ड लेटली। इसके पहले रीस अभी अभी अगर हम देखते थोड़ा सा तो कब होल्ड किया गया था, तो बड़ी पुरानी बात होगी, 2014 में लास्ट मीटिंग हुई थी। अब भारत उसका हिस्सा तो बना रहेगा, लेकिन उसके मीटिंग में जाने से भारत ने मना कर दिया है। द अबव पैसेज मेंशंस अबाउट पाकिस्तान स्पेशल एडवाइजर नेशनल सिक्योरिटी मोहित यूसुफ यूजिंग अ मैप ऑफ पाकिस्तान क्लेमिंग इंडियन टेरिटरी, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरी इज इन द कॉन्टेक्स्ट हियर। तो ऐसी कौन सी टेरिटरी है जिसको सही से नहीं दिखाया जा रहा है, कई सारी ऐसी ऑब्लाइज टेरिटरी है जो भारत चाहता है कि हमारी ऐसी टेरिटरीज भारत में ही दिखाई जाए, पर कई सारे देशों के द्वारा ये फॉलो नहीं किया जाता है। जैसे रिसेंटली एक किस्सा हुआ है कि WHO ने जो मैप दिखाया अपनी वेबसाइट पर, उन्होंने उनमें भारत का नक्शा जो है वो गलत तरीके से दिखाया और कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया है। वैसे ही एक और टेरिटरी है जिसको आप जूनागढ़ के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे कि हमारे अलग अलग बॉर्डर्स है ना अलग अलग जगह पर, जैसे कि मैकमोहन लाइन हो गया, ठीक है, वैसे रेडक्लिफ लाइन हो गया, सर क्रीक, तो सर क्रीक जहां डील करती है वहां कहीं ना कहीं कोने में आ जाता है जूनागढ़। जूनागढ़ जो एरिया है उसको लेकर पाकिस्तान ने मैप थोड़ा सा गलत शो कर दिया था और इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमारे गुस्सा हो गए थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है अजीत डोवाल साहब, वो गुस्सा हो गए थे। तो जूनागढ़ इज अ पॉइंट जो चर्चा में है ना। लिंबिया धुरा अभी नेपाल वाले पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा में था, अक्साई चीन भी ऊपरी हिस्से में लड़ाख वाले, और पैंगोंग त्सो भी लड़ाख का जो लेक वाला हिस्सा है जहां पर गलवान वैली में क्रैश हुआ था, उसके बाद में फिर पैंगोंग त्सो लेक कर लेकर भारत और चाइना काफी झड़प में रहते हैं। एक और आया हुआ है भैया मिडल ईस्ट के बारे में पैसेज आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर कई सारे पैसेजेस आए हुए हैं, इसलिए मैंने पिछली बार भी बोला था कि इंडिया श्रीलंका चर्चा में है ना,
इसराइल के साथ हमारे संबंध चर्चा में है, अफगानिस्तान इस बार बहुत चर्चा में है, एक्सक्यूज मी, अफगानिस्तान इस बार बहुत चर्चा में है, और कौन है इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर हम बात कर लेते हैं तो श्रीलंका के बाद में चाइना तो हमेशा चर्चा में रहता ही है, इंडिया चाइना पर्टिकुलरली चर्चा में रहता है, यूके हमारे रिलेशंस को लेकर बहुत चर्चा में है। तो इन सारी चीज़ों को आपको पर्टिकुलरली पिन पॉइंटेडली याद रखना होगा, हम लोग तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, याद आपको क्या रखना है उसके बारे में बात करें। यहाँ पर यूए और इसराइल के बीच में जो डीलिंग्स हैं उनको लेकर बात की जा रही है कि ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कराई जा रही है, क्योंकि ये चाहते हैं कि रिलेशंस को नॉर्मलाइज कराया जा सकता है। उस टाइम ये कराई गई थी, ऑब्वियस सी बात है, और उस टाइम कई सारे मामलों में ये भी कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप कितना बेहतरीन डिसीजन ले रहा है, वाह भाई बढ़िया, बहुत मजा ही आ गया, अलग ही तरीके से एकदम, है ना, न्यू दिल्ली स्पेशल रिलेशन एंजॉय करता है अबू धाबी यानी कि यूएई के साथ में, और वही यरूशलेम या फिर जेरूशलेम माने कि इसराइल के साथ में। हम लोग इसराइल और पैलेस्टाइन इशू के बारे में, भारत हमेशा वोटिंग से एब्सटेन करता है, इस बात को भी जानते हैं, वैसे ही स्टैंड भारत और भी कई सारे चीज़ों में लेता है, जैसे कि अभी उसने रिसेंटली लिया है। रिसेंटली रशिया और यूक्रेन वाले इशू को अगर हम देखते हैं तो भारत ने एब्सटेन किया है, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में जब वोटिंग हो रही थी तब भारत एब्सटेन रह गए, भारत ने वोटिंग नहीं करी, भारत चाहता था कि हम लोग किसी भी प्रकार का रिश्ता किसी से भी खराब ना करें, ना ही वाशिंगटन डीसी से ना ही मॉस्को से। जब हम ऐसे रेफर करते हैं तब हम देशों के नाम को रेफर करते हैं, उस पर्टिकुलर जगह के नाम को रेफर करते हैं ताकि हम देश को लेकर बात कर सकें, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़कर हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। प्रिंस मोहम्मद बिन जायद, यहाँ पर कुछ कुछ नाम हमें दिए गए हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप का दिया गया है, ठीक है, तो इसी के साथ में वहाँ पर एक बार एक किंग बनता है या प्रिंस बनता है तो वो सालों साल के लिए रहते हैं, लोग मिडल ईस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो ये कहाँ से लिया गया भैया, ये इकोनॉमिक टाइम से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, इकोनॉमिक टाइम से लिया गया है। क्वेश्चंस पे जंप कर लेते हैं, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चंस, द यूएस इज सीन एज अ मेजर रोल प्लेयर इन द प्लेस पीस डील बिटवीन इसराइल, ओके यूएस एक मेजर रोल प्ले करते हुए नजर आ रहा है, इसमें से कौन सा एक रीजन नहीं है इनका इन्वॉल्वमेंट होने का, नॉट अ रीजन बोला गया है, रीजन है नहीं पूछा गया, नॉट अ रीजन है पूछा गया है, क्या इनमें से ऐसा कौन सी वजह है जो वजह नहीं है कि यूएस इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो बताइए। द डील ग्रांट्स अ डिप्लोमेटिक विन टू यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अहेड ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, चलो ये भी ठीक है, ओके okay. अगली कि द एफर्ट्स ऑफ द यूएसए टू ब्रिंग द वॉर इन अफगानिस्तान टू एन एंड हैव बीन नॉट हैव बीन अ सक्सेस येट, ओके द एफर्ट्स ऑफ यूएसए टू ब्रिंग पीस बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टाइनियन हैव नॉट बीन सक्सेसफुल येट, ओके द डील गिव्स अ सेंट्रल स्ट्रेटेजिक रूल, ओके यस दिस इज द रीजन कि वो सेंट्रल स्ट्रेटेजिक रूल देता है यूएसए को मिडल ईस्ट में, एक ऐसा पोजिशन देता है जो स्ट्रैटेजिकली हम लोग एनहांसमेंट दे पा रहे हैं वहाँ के लोगों को मिडल ईस्ट में, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने का रूल देता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इलेक्शन से पहले पहले डिप्लोमेटिक विन देता है, इसमें कोई सेंस नहीं है। एफर्ट्स ऑफ द यूएसए के अमेरिका के ऐसे एफर्ट्स है कि वो लोग अफगानिस्तान में वॉर खत्म कर सके, अभी भी वो पा नहीं पाए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एफर्ट्स ऑफ यूएसए पैलेस्टाइन ये भी नहीं है, पर इस वजह से वो ये काम कर रहे हैं ऐसा नहीं है, नॉट अ रिलेशन, ठीक है, तो इसका मतलब कि इन्होंने क्या बोला हुआ है कि नॉट अ रिलेशन ऑफ रीजन फॉर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द यूएस इन द डील, तो इसका मतलब ऐसी कौन सी वजह नहीं है, तो ये बोले जा रहे हैं कि द डील गिव्स अ सेंट्रल स्ट्रेटेजिक रूल यूएस इन द मिडल ईस्ट, इसके अलावा बाकी के सारे रीजन हमारे पास में है जो नॉट दिए जा रहे हैं, नॉट इन्वॉल्वमेंट के लिए नहीं है ऐसा, तो ये एक इकलौता ऐसा चीज है जो नॉट होगी और बाकी सारी चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। लेट्स मूव ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू द स्टेक ऑफ पैलेस्टीन इन द पीस डील बिटवीन यूएन यूए और इसराइल के बीच में अगर पीस डील हो रही है तो ये बेचारा हमेशा फंसता ही, अलग ही इसके पोजीशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन विद द स्टेक ऑफ पैलेस्टीन, मतलब पैलेस्टीन का जो स्टेक है वहां पर उसको लेकर कौन सा विधान सत्य कहा जा रहा है, है ना, क्या है, इसराइल हैज रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन एज द इंडिपेंडेंट नेशन, ओके दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पैलेस्टाइन टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इसराइल, द डील मार्क्स बोथ विन एंड अ सेटबैक फॉर द इसराइल पैलेस्टाइन रिलेशन, अ पीस ट्रीटी वुड ऑल्सो बी साइन बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन के स्टेक को अगर हम देखते तो बहुत बेसिक साइंस है ना यार, कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं कि हम जानते हैं कि ऑलरेडी ये हमारे लिए पैलेस्टीन के लिए एक जीत भी है, इसराइल पैलेस्टीन के लिए एक जीत भी हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी एक जगह से प्रॉब्लम कम हो जाएगी। अगर हम जानते हैं कि इसराइल को पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने वाले ईरान वगैरह नेशंस में या मिडल ईस्ट नेशंस में यूएई भी एक आता है, वो इसराइल को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है और पैलेस्टीन को ज़्यादा करता है, पर यहाँ पर ये इनके लिए एक विन भी होगा और एक मतलब ये विन कैसे होगा कि इनके साइड से बात कर पाएगा यूएई, और सेटबैक कैसे होगा, सेम पोजीशन की अगर इनके एक अपना सपोर्टर कम हो जाता तो इनके लिए सेटबैक भी साबित हो सकता है। पीस ट्रीटी वुड ऑल्सो बी साइन बिटवीन, ये तो हो ही नहीं सकता है, नो फिलहाल तो ऐसे कोई अंदाज नजर नहीं आ रहे हैं। दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पैलेस्टाइन टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इसराइल, ये भी नहीं हो सकता है, फिलहाल ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। इस साल भी इवन बॉम्बिंग हुई है इसराइल, मतलब पिछले साल 2021 में इसराइल हैज रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टाइन एज द इंडिपेंडेंट नेशन, ये तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये खुद इंडिपेंडेंट नेशन बना था 1948 में, ठीक है, इन्होंने खुद को अपने आप को नेशन के तौर पर घोषित कर दिया था, कई सारे लोग अभी भी इसको रिकॉग्नाइज करते हैं नहीं करते हैं, तो ये अलग अलग चीज़ है, वी डोंट एक्जैक्टली, हम लोग भी इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करते, एब्सटेन रहते हैं जनरली। Which of the following is not a direct impact of the peace deal in the Middle East region?
कौन सा डायरेक्ट इंपैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ द पीस डील. इस पीस डील का मिडिल ईस्ट रीजन पे डायरेक्ट इंपैक्ट इनमें से कौन सा नहीं है. द डील स्मूथंस या स्मूथंस द यूएई इंटरनेशनल कैंपेन टू बी सीन एज अ बीकन ऑफ टॉलरेंस. बिल्कुल चाहता है यूएई, यही चाहता है कि हम लोग बीकन के तौर पर नजरिया हम पे रखा जाए, है ना. तो ये इसके दिमाग में हमेशा रहता है कि यार हमको एक बीकन के तौर पर, मतलब या एक ऐसे दीप स्तंभ के तौर पर देखा जाए मिडिल ईस्ट में कि हम लोग टॉलरेंस है या हमारे प्यार भरे रिश्ते सब लोगों से रहते हैं. इसी के साथ में इट पुट्स द यूएस लीडर, यस ऑब्वियसली रीजन में लीडर के तौर पर भी पुट करता है नेबरिंग गल्फ अरब स्टेट्स में. द डील गिव्स नेतन्याहू यानी कि पुराने इसके पहले के प्राइम मिनिस्टर थे वहां के इजराइल के नेतन्याहू या डोमेस्टिक अभी वहां पर नफ्ताली बेनेट है, डोमेस्टिक बूस्ट एट अ टाइम व्हेन इजरायली कोएलिशन गवर्नमेंट इज इन क्राइसिस ड्यू टू कोएलिशन कंपल्शंस. यस ऑब्वियस ही बात है, नेतन्याहू को वहां पर एक बूस्ट मिलेगा क्योंकि उन्होंने एक बेहतरीन सा साथीदार अपने लिए ढूंढ के निकाला है. द डील मार्क्स अ हिस्टोरिक डे एंड सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स पीस इन द मिडिल ईस्ट. ठीक है, ये भी ठीक है. तो ये डायरेक्ट इंपैक्ट कौन मार्क नहीं कर रहा है, हमें क्या पूछा गया, डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं मार्क करना चाहिए. तो ये डी है, ये एक ऐसा उड़ता उड़ता बात है ना, बड़ा लेवल पे बात कर रहे हो कि आज ये मार्क हुआ है डे, लीप ऑफ फेथ, बड़ी चीज हमने करी है ऐसा. तो ये कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं कर रहा है. द पीस डील बिटवीन इसराइल एंड यूएई कैन ऑल्सो बी सीन एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया इन द मिडिल ईस्ट रीजन. थोड़ा छोड़ो, ये भी ठीक है, मिडिल ईस्ट रीजन में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक गोल्स ऑफ इंडिया इन द मिडिल ईस्ट. भारत मिडिल ईस्ट में क्या चीजों को स्ट्रेटेजिक गोल के तौर पर नहीं देख रहा है. नहीं, नॉट रिलेटेड. इंडिया शुड रिवैम्प इट्स डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशन विद यूएई. भारत के यूएई के रिलेशन को क्या हमें रिवैम्प करना चाहिए, ये सोच रही है या ये पूछ रहे हैं. इसी के साथ में ये पूछते हैं कि इंडिया शुड मूव फास्ट टू कैप्चर द एक्सटेंडेड नेबरहुड मार्केट बिफोर इट कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना. ठीक है, इंडिया शुड एंश्योर स्पेस फॉर ईरान इन एनी फ्यूचर सिक्योरिटी डील इन द रीजन नन ऑफ द अबव. तो भारत ये चाहेगा कि ईरान जो है वो, क्योंकि हम लोग ईरान के साथ में डीलिंग्स उस प्रकार के करते हैं, इसलिए ईरान इस आने वाले टाइम में वहां पर उस सिक्योरिटी रीजन में किसी भी प्रकार की बातचीत अगर करता है तो ईरान उसमें एक अपना हिस्सा जरूर रखे. तो उस हिसाब से हम लोग उससे डील कर पाएंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. इसराइल डज नॉट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, इसराइल कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक ऑर्डिनरी लॉ. देर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन बट अ बेसिक लॉ ऑफ 1950. इसराइल हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1967. इसराइल में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है बच्चे लोग, पर इसराइल में एक बेसिक लॉ है जो 1950 का है, जैसे कि 1948 में बना था तो तब से उसके ऊपर ही सारे लोग काम करते हैं. वहां पर बेसिकली ये होता है कि अपना अलग अलग लॉ है, उनके अलग अलग हर धर्म के अलग अलग लॉ है और उसके बेसिस पर काम होता है. Israel is a theocratic Jewish state, but it follows legal pluralism according to plural. Simple सी बात है कि legality में वो एक monopoly या किसी भी प्रकार का एक law जो है उसको follow नहीं कर रहा है, pluralism follow करा जा रहा है वहाँ पर. Singularism नहीं follow होता है, pluralism follow होता है. इसका मतलब क्या होता है, accordingly Jewish courts had to decide cases of all religious, मतलब इसका मतलब कि Jewish धर्म के court चलेंगे और वो बाकी सारे religious communities के लिए उस nature में decision लेंगे, क्या ये सही है नहीं है. अगला, सेक्युलर कोर्ट्स विल अप्लाई यूनिफॉर्म सिविल कोड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल कम्युनिटीज. इसका मतलब सेक्युलर कोर्ट्स वहां पर एस्टेब्लिश किए जाएंगे. अगला, ईच रिलीजियस कम्युनिटी हैज इट्स ओन रिलीजियस कोर्ट टू डील विद अ पर्सनल लॉ डिस्प्यूट और नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल लॉ एंड पब्लिक लॉ. ऐसे बिल्कुल नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं है. वहां पर हर रिलीजन का अपना अपना, अपनी कम्युनिटी का हर अपना अपना पर्सनल रिलीजियस कोर्ट है जिसमें वो अपने पर्सनल लॉ के डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं, अगर आप समझ सकते हैं. तो आई होप, मतलब ये सारे इश्यूज के साथ में हमने ये भी कंपेयर किया है कि इस बार हमें किस चीज़ों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होने वाला है. ठीक है, स्पोर्ट्स के ऊपर एक भी पैसेज नहीं पूछा गया था और स्पोर्ट्स बहुत स्टैटिक चीज़ हो जाती है, नाम वगैरह नहीं पूछे जाते हैं. हाँ, ये एक चीज़ है कि ओलंपिक इस बार काफ़ी चर्चा में रहा है, पैरालंपिक्स इस बार काफ़ी चर्चा में रहा है, विंटर ओलंपिक्स अभी चल रहे हैं, बॉयकॉट करने की बात चल रही है. इसी के साथ में इस बार हम लोगों ने देखा हुआ है कि डैम को लेकर चल रहा है, डैम सेफ्टी बिल भी आया हुआ है, मैरिज ऑफ लीगल, मतलब एज ऑफ मैरिज को लेकर भी चल रहा है. इसी के साथ मैरिटल रेप भी बड़ा चर्चा में है. तो ऐसी कई सारी कॉन्शियसनेस वाले मामले हैं या कॉन्शियस वाले मामले हैं जो चर्चा में है. तो हम लोग इस बार एथिकल बैकग्राउंड के ऊपर एक से दो पैसेजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इस बार हम इंटरनेशनल रिलेशन के लेकर बात करते हैं तो इंडिया श्रीलंका, इंडिया इजराइल, इंडिया यूके, और अलग से अगर हम बात करते हैं तो चाइना रशिया को लेकर, रशिया यूएसए को लेकर, रशिया यूक्रेन को लेकर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई चीज़ें पूछी जाए, जैसे कि 2021. तो अलग अलग है, 2021 का भी आपको एग्जाम पेपर वापस से रिपीट करवाऊंगा, आपको एक बार सॉल्व करवाऊंगा, सो दैट यू गेट अ बेटर अप्रोच कि व्हाट इज नेसेसरी एंड व्हाट इज नॉट. आई होप यू लाइक दिस लेक्चर. इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक कर दीजिए. अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको उसके बारे में भी जवाब दूंगा. कोई भी अड़चन है तो यू कैन राइट इट डाउन फॉर मी. आई एम अ वेरी गुड फ्रेंड, यू कैन रीच मी आउट एनी टाइम एनी वेयर एंड रिगार्डिंग एनीथिंग. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद.